हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। तीन चीजें खा लो, जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डायबिटीज क्योर हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा और दिल की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी तीन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आप अगर सही तरीके से और सही मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको कभी भी शुगर की बीमारी नहीं होगी। आपको अगर जॉइंट पेन है यानी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटापे की समस्या भी नहीं रहेगी, पेट के रोग भी दूर हो जाएंगे। ऐसी कमाल की औषधियों के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, अगर इन तीन चीजों का सेवन अगर आप 20 दिन या 25 दिन तक कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके सेवन का क्या तरीका है, ये भी इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली चीज है लहसुन। लहसुन में एलेसिन होता है जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है, खून को पतला करता है। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको रोजाना लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द के कारण आपकी बॉडी में सूजन आ चुकी है, स्वेलिंग आ चुकी है, तो भी आपको रोजाना लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। खून को पतला करने के लिए भी लहसुन का सेवन कीजिए। दिल की बीमारियों से बचे रहने के लिए भी आपको रोजाना लहसुन का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, लहसुन हमारे द्वारा खाए गए खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाने के बाद ज्यादा वात बनती है, एसिड बनता है या फिर गैस बनती है, तो इन रोगों से बचे रहने के लिए आपको रोजाना लहसुन जरूर खानी चाहिए। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लहसुन का सेवन आपने कैसे करना है। तो खाली पेट कच्ची लहसुन का सेवन करना चाहिए। कभी भी पकी हुई लहसुन कभी फायदा नहीं करती, वो इतना कम फायदा करती है जिसे माइनर सा कहा जाता है। अगर आप कच्ची लहसुन का सेवन करते हैं तो वो 100% फायदा ही करती है। दोस्तों, अब दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है मेथी दाना। मेथी दाना खाने के फायदे आप जानते ही होंगे। ये आयुर्वेद में एक जबरदस्त औषधि है, इसमें एस्ट्रोजन गुण पाए जाते हैं। मेथी दाना हमारे खून को बनाने का काम करता है। अगर किसी इंसान के शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो उनको रोजाना इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज को क्योर करते हैं, यानी कि शुगर अगर आपकी बढ़ती है, डायबिटीज कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो आपको रोजाना मेथी दाना भिगोकर जरूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा किसी इंसान के शरीर में वायु और वात पड़ने से ट्रेवलिंग पेन होता है, कभी कंधे में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, तो उनको भी रोजाना मेथी दाने का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, ये मेथी दाना एक पेन किलर की तरह, एक दर्द निवारक गोली की तरह काम करता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका खाया पिया पचता नहीं है, तब भी आपको रोजाना इसका सेवन जरूर करना है। दोस्तों, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए, कुछ लोगों के बाल बढ़ते नहीं है और कुछ लोगों के बाल बहुत कमजोर होते हैं, तो भी उनको मेथी दाने का सेवन रोजाना करना है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है तो कब्ज की समस्या को भी ये दूर करता है। दोस्तों, अब आप ये भी जान लीजिए कि आपने गर्मी हो या सर्दी, मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे करना है। रात को एक चम्मच भिगो दीजिए और सुबह आपने, अगर गर्मियां चल रही हैं तो आप अकेला इसका पानी पी लीजिए, और अगर सर्दियां चल रही हैं तो साथ में पानी भी पी लीजिए, और आपने मेथी दाना भी चबाकर खा लेना है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद की जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, नसों की ब्लॉकेज को दूर करती है, और तो और अगर किसी इंसान को फूड एलर्जी है, जैसे किसी खाने वाली चीज से एलर्जी है या फिर स्किन एलर्जी है। स्किन एलर्जी कैसे होती है कि थोड़ा सा खारिश करते हैं धब्बे हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा टकराते हैं तो धब्बे हो जाते हैं, खारिश खुजली बहुत ज्यादा होती है, स्किन एलर्जी है या फिर खाने वाली चीज से किसी से एलर्जी है, तो उसको रोजाना दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए।
दोस्तों ये दालचीनी वातनाशक है, वायु को शरीर से बाहर करती है। इसे बहुत तरीकों से कंज्यूम किया जा सकता है, खाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को हाथ पैरों में नंबनेस रहती है, हाथ पैर बहुत ज्यादा सोते हैं, सुनपन की शिकायत हो चुकी है, तो भी उनको रोजाना नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, नसों को मजबूती देने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल जरूर करना है। अब मैं आपको मात्रा बता देती हूँ। तो दोस्तों गर्मियों के दिनों में सिर्फ आप 2 चुटकी दालचीनी 1 कप पानी में उबाल लीजिए और इसका सेवन कर लीजिए। नहीं तो आप 2 चुटकी दालचीनी के पाउडर को 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लहसुन ले रहे हैं वो सिर्फ 2 कली ही सेवन करना है, मेथी दाना 1 चम्मच ही सेवन करना है। दोस्तों अब आपके मन में ये आएगा, क्या ये तीनों चीजें एक साथ सेवन करनी है 20 से 25 दिन? तो बिल्कुल नहीं। इनमें से आपने एक चीज 10 दिन, दूसरी चीज 10 दिन और तीसरी चीज 10 दिन इस तरीके से सेवन करना है। जैसे किसी भी दवाई का असर थोड़े दिन होता है, अगर आप इसे लंबे टाइम तक लेते हैं तो ऐसे लगने लगता है ना कि इसका असर अब कम हो चुका है। तो दोस्तों आपने इन तीनों औषधियों का सेवन 10-10 दिन करके करना है, ताकि 20 से 25 दिन के अंदर आपको इसके 100% बेनिफिट मिल सके। लेकिन आपने इन्हें 30 दिन तक रेगुलर जरूर लेना है, 10-10 दिन करके ही। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ, आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। Thank you for watching my video. Okay, bye.